क्या कब से टाइम मांग रही हो? यहाँ मेरी बेटी गायब है, अगर तुम लोगों ने हमारी मदद नहीं की तो मैं पुलिस स्टेशन तक जाऊंगा। सर जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, पर हमारे रिसॉर्ट से आज तक कोई लड़की गायब नहीं हुई। मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ सर, पर आप भी मेरी मजबूरी समझिए। आपने पुलिस में कंप्लेन की तो हमारे रिसॉर्ट का नाम खराब हो जाएगा, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। सर आप मुझे 8 घंटे का वक्त दीजिए, मेरे बहुत से दोस्त गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। मैं बिना FIR दर्ज किए आपकी बेटी को सही सलामत ढूंढ लूंगा। मैं आपके बेटे जैसा हूँ सर, मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। सर CCTV में देखें। बोल टेरे। गब्बर तेरे पास 6 घंटे हैं, ढूंढो ने हो जाएगा। चले लड़की को किडनैप करना तो हलवा था, उनकी मार खाना कच्चे करेले खाने जैसा है। जितना ज्यादा हम उनकी मार को सहेंगे उतना ही उनका भरोसा हम पे बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने ऐसे बोला था। तो तुम्हारा मतलब हड्डी पसली टूटने वाली है? लोग गोवा मस्ती करने आते हैं, हम पिटने आए हैं। भैया जी आराम से मारो ना। कौन लड़की? केली कुछ बोलना नहीं, तेरे को सुमति की कसम। ठीक है सुमति भाभी से एक पप्पी दिलवा देना। डरी उनको और मारो तो मर जाएगा, बहुत ढीठ क्वालिटी है, आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। भाई 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 मुझे मत मार, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं भाई। बॉस इसे धीरे मारने बोलो वरना मैं सब बता दूंगा। सुमति को जवान दिया लाए भाई, मैं फंस गया हूँ, यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ भाई। बॉस ये लो। मार मत भाई, टेप मत टूट जाएगा। अरे अरे अंदर भी टूटेगा। बाहर का रास्ता किधर है? हाँ मिल गया। ए किधर को हवा खाने जा रहा है? अरे चल, अरे नहीं नहीं ये भाई अब तो दर्द भी नहीं हो रहा। तू मेरा सबसे वफादार पेंटर है रे, I love you रे। भाई मैं तुम्हारे लिए नहीं पिटा, सुमति की पप्पी के लिए पिटा। hey, कोयता लेकर आ। भाई वो कोयता लेकर आ रहा है। आए, नहीं बताता हूँ, सब बताता हूँ, मारना मत। अरे यार आइसक्रीम तो खा ली, इतनी अच्छी नहीं थी। चलो और कहीं चलते हैं। चलते हैं ना मैम, आपकी आइसक्रीम। पिक्चर चलते हैं, पिक्चर चलते हैं, गार्डन में बैठे क्या? चलो गार्डन चलते, बहुत दिन हो गया। नहीं है वेलकम सर। इधर आ। काय साहब? बात करने को मांगता है। माला हिंदी ये इतनी साहब? कान के नीचे भटका पड़ेगा ना, सब समझ में आएगा। मेन्यू बगाना साहब, काय पाहिजे तुम्हाला? वनीला स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच, वनीला ट्रफल, चॉकलेट ट्रफल, स्ट्रॉबेरी मूस, बगा नहीं सांगा। जल्दी से दुकान बंद कर, बोर्ड लगा दे, दुकान का फ्रिज खराब है। अंदर आ। क्या चाहिए तेरे को? कल रात को तूने मेरे रिसॉर्ट से एक लड़की को उठाया था, वो कहाँ है? उसको यहाँ से एक्सपोर्ट हुए जमाना हो गया, चल कोई दूसरी बात कर। वो लड़की लिए बिना नहीं जाऊंगा,
अबे बहरे काय को जिंदगी से खेल रहा है, फुट ले इधर से। भाई मेरे को माफ कर दो, बहुत मारा हम लोग को, इसके लिए बोलना पड़ा। अयो मरा मरा, अयो मरा मरा, अयो अयो मरा मरा। आइंदा चुगली किया तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तेरी वजह से सब हुआ हुआ, तेरी वजह से मरा मरा। जो हो गया सो हो गया, पर एक बात समझ में नहीं आई, जब तेरा इतना बड़ा रिजॉर्ट है तो पुलिस को जाके तूने कंप्लेन काय को नहीं किया? इधर टाइम वेस्ट मत कर, रिजॉर्ट में जाके ध्यान दे, कोई तोलिया चुरा रहा होगा। तेरे जैसे शरीफ बिजनेसमैन तो हम जैसे लोगों से डरते हैं, पंगा नहीं लेते, और तू यहाँ पर आ गया। या तो पुलिस वाला है या कोई मुजरिम है, अगर खाकी वर्दी वाला है तो पता है मैं उन लोगों का क्या करता हूं। मैं पुलिस वाला तो नहीं हूं, इसके लिए तू बेफिक्र रह, पर एक बात बता दूं, तू कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो, अगर तूने मुझ पर गोली चलाई तो कुआं से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर तू बचना चाहता है, वो लड़की वापस कर जिसे किडनैप किया है, तुझे जो लड़की चाहिए वो मिलेगी, मुझे बस वही लड़की चाहिए, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। दिखने में तो शरीफ छाप लग रहा है तू। शरीफ तो हम दोनों ही हैं, हम दोनों का बिजनेस है लड़कियां उठाने का। मेरे खौफ से आइसक्रीम भी नहीं पिघलती और तू मुझे बातों से पिघला रहा है। मेरे खौफ से गोवा पिघलता है, खुद चल कर देख ले। से थोड़ी दूरी बनाकर उसका पीछा करते रहो। ये काम तूने कब शुरू किया? लॉकडाउन के पहले। मेरी सिल्वर जुबली हो गई है। ओ टारगेट पर नजर बनाए रखो। ओके सर। उसकी गाड़ी के ज्यादा करीब मत जाना। टारगेट ऑन साइड। तुम सब एकदम अलर्ट रहो और मेरे कमांड का इंतजार करो। नंबर टू, तुम्हारा टारगेट है 370643 वेस्ट। ये सब लड़कियां नहीं छोटी बच्ची हैं। जवान होने तक इन्हें यही रखते हैं, उसके बाद बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। कुमारी लड़कियां हमेशा डिमांड में रहती हैं। सिर्फ तेरे बोल बच्चे नहीं बड़े हैं, लेकिन सोच बहुत घटिया है तेरी।
क्या बकवास कर रहा है? अपनी जान पहचान को सिर्फ 48 घंटे हुए हैं तो, और तूने अपना पूरा अड्डा खोलकर मेरे को दिखा दिया। अगर मैं पुलिस का आदमी निकला तो क्या हाल होएगा तेरा? सोच, अगर तू सरकारी नौकर होता तो क्या कर लेता? पूरी बारात लेकर आता। तू स्वागत नहीं करता ना तो भी अंदर घुसते, मेरे को मिलता मेडल और तेरे को जेल की सूखी रोटी। ये सब करने में तुझे कितनी देर लगती? जितनी देर तेरे को नहाने में लगती। 2 मिनट के अंदर सारी लड़कियां मछलियों का शिकार बन जाएंगी, वैसे ही जैसे टाइटैनिक में डूबे हुए लोगों की लाशें कहां गई किसी को नहीं पता। 1 नंबर। ओके, सब लोग ध्यान से सुनो, मिशन को यहीं रोकना होगा। व्हाट? जैसा कहा जाए करो। अम्मी जान बोलती थी बराबरी के धंधे वाले से पंगा नहीं लेने का। चल तेरी छोकरी वापस करता हूं, वो भी फ्री में। तेरा एक कड़क बंदोबस्त देखकर तेरे को एक ऑफर देता है, अच्छा लगे तो हाँ बोलने का। क्या है बोल? ब्राजील से ऑर्डर आया है 10 दिन में 70 छोकरियां पहुंचाने की। 30 का जोल है मेरे पास, तू बस 40 का कर दे। पार्टी से मजबूत पैसा दिलाऊंगा तेरे को, गिनने बैठेगा ना तो बचे हुए काले बाल भी सफेद हो जाएंगे। नारियल फोड़ें क्या?